म्यूज़िक क्लब की सीरीज़ में आज आप सबका स्वागत है। IHC म्यूज़िक क्लब की शुरुआत जब हमने कुछ साल पहले की तो उसका मकसद ये था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां ऑडियंस बात कर सकें, सीधे रूबरू हो सके कलाकारों के साथ और उनके मन में जो सवाल हैं उनका जवाब वो सीधे अपने कलाकार से ले सकें। तो ए प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विद द आर्टिस्ट। कई बार कुछ मन में सवाल होते हैं जो हम चाहते हैं और पूछ नहीं पाते हैं, तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर दैट पर्पस। एंड इन द पास्ट ऑल्सो म्यूजिशियंस, वेरी सीनियर म्यूजिशियंस हैव कम ऑन बोर्ड एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। दिस इवनिंग वी आर फॉर्चुनेट टू हैव सुधा रघुरमन जी, थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने आज इस शाम के लिए शी इज़ एग्रीड टू कम एंड शेयर हर एक्सपीरियंस। बॉर्न ऑन 17 June 1977 इन ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन दिल्ली, श्रीमती सुधा रघुरमन रिसीव्ड अ ट्रेनिंग इन कर्नाटिक वोकल अंडर हर ग्रैंड फादर ओवी सुब्रमण्यम जी एंड लेटर गॉट ए स्कॉलरशिप फ्रॉम फॉर लर्निंग द आर्ट फॉर्म फ्रॉम साहित्य कला परिषद दिल्ली। शी इज़ ऑल्सो लर्नड कर्नाटिक वायलिन अंडर वी जानकी रमन एंड रिसीव्ड ए स्कॉलरशिप फ्रॉम द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग दिल्ली। एज ए कर्नाटिक वोकल सोलोइस्ट शी हैज़ परफॉर्म्ड एक्सटेंसिवली इन वेरियस प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स इन द कंट्री एंड अब्रॉड। शी हैज़ अकम्पनीड सेवरल रिनॉन भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी डांसर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री इन वेरियस डांस फेस्टिवल्स विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड। शी हैज़ कंडक्टेड म्यूजिक वर्कशॉप्स इन सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग द USA, कैनेडा, मॉरिशस एंड इंडिया। श्रीमती सुधा रघुरमन जी हैज़ रिसीव्ड द दिल्ली युवा कलाकार 2007 अवार्ड एंड द चित्रकला सम्मान 2011। शी हैज़ ऑल्सो मेनी कर्नाटिक म्यूजिक सीरीज टू हर क्रेडिट। श्रीमती सुधा रघुरमन जी इज अवार्डेड द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार ऑफ संगीत नाटक अकेडमी फॉर द ईयर 2011 फॉर हर नोटेबल टैलेंट इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक फॉर डांस। सो आई थैंक सुधा जी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन बोर्ड एंड टू ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग। वी हैव सेवरल रागास, लेट मी एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रागास दैट वी हैव इन कर्नाटक म्यूजिक सिस्टम। वी हैव 72 मेलकर्ता रागास विच आर कॉल्ड जनक रागास, 36 ऑफ द शुद्ध मध्यम, 36 ऑफ द प्रतिमध्यम, आउट ऑफ विच 40 आर विवादी रागास कैरिंग notes which have a particular tonal quality which sort of overlap, two swaras overlapping and having ek seat mein do aadmi baithna, aisa kuch hai, ek hi seat hai usme do jan kaise baithenge, that those kind of ragas are called vivadi ragas. Earlier it was said that many musicians avoided singing the vivadi ragas because they thought there was some kind of दोषम, दोष जैसे कहते हैं दोषम, बट नाउ मैनी कंपोजर्स लाइक दीक्षितर, कोटीश्वर अय्यर, दे हैव कंपोज्ड कृतिज इन ऑलमोस्ट ऑल द 72 मेलकर्तास। डॉक्टर बालमुरली कृष्णा हु इज अ ग्रेट लेजेंड, ही सेड वी डोंट नीड टू कंसिडर देम एज यू नो एज दो दे आर डिफिकल्ट टू listen to or they are difficult to attempt. No, we don't need to consider them like that. He in fact fought for those 40 ragas. He also composed many such compositions in those vivadi ragas. Having said that, now we have janaka ragas, parent ragas, and then we have derived ragas which are called janya ragas, giving birth basically, janya ragas. We have vakra ragas, going zigzag in the arohana. Everything I'm going to be giving you examples by singing an alap. How difficult it is to sing an alap for a vakra raga. We have vajra raga, jaise varjit kehte hain koi note ko. Hindi samajhte hain aap log to. Koi ek note, usme se nahi hai. Use varjit. We have upanga ragas. Upanga ragas are nothing but janya ragas, have carrying all the notes that we sing in the arohana and the avarohana. They are called upanga ragas. There are bhashanga ragas where foreign bodies enter.
they are called Anya Swaras. There are several ragas in which we usually say that we have, for example, Sagariga Mapatapasa Sanida Pamagarisa. This is Ananda Bhairavi's scale. Sagariga Mapatapasa Sanida Pamagarisa. This is the scale, but this is the Bhashanga Raga. Magari gama pama pasani da pa sa ni ni sa ni ga. These two are Anyaswaras, hence called a Bhashanga Raga. I'll sing a little alap of this particular raga. See how soothing, if I sing properly of course, how soothing the effect is. It is considered to be a raga which reduces high blood pressure. It's therapeutical, actually. It will be followed by a kriti by my students, Niki Teliyaka, in Raga Ananda Bhairavi. Spoke about this dhaivat in the arohana, but it is introduced. It's a very compressed form of a raga. I will be singing more number of ragas in a detailed form. They will sing the kriti. Niketeliyaka po de Yeah.
ప్రజ్వలి నాలోని ప్రజ్వలి జయలి నీకే పోదే నేనే విజయుదూర శ్రీరామ ఎందెందు జూచిన ఎందెందు పరుకిన ఎందెందు సేవించిన ఎందెందు పూజించిన ఎందెందు జూచిన ఎందెందు పరుకిన ఎందెందు సేవించిన ఎందెందు పూజించిన నీవనితో సుడెందుకు నీ పాదర విందమున ధ్యానించిన నన్ను కొని త్యాగరాజ సంగుత నీకే